हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट जूनियर इंजीनियरिंग सिविल एग्जाम डिस्कशंस। तो 200 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम आपका 23/10/2019 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, रीजनिंग से। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल द लेटर इन द वर्ड कोली आर अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर इन द इटसेल्फ एंड दस फॉर्म वर्ड अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल वर्ड इन द थर्ड फ्रॉम राइट। सो के जो है वो आपका राइट आंसर है। अल्फाबेट ऑर्डर में करके डिक्शनरी में लेफ्ट से राइट, सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, सो राइट से तीसरा वर्ड जो है वो क्या होगा, तो के होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड दिया है जिसमें नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7, तो ए एन बी आर टी एस ई। सो सबसे पहले जो वो आपका यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, तो एस ई आर वी ए एन टी, सर्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका जो मीनिंगफुल। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ऑफिस टाइम चेंज को कोडेड किया रैप वैप गैप में, तो ऐसे ही पूछा आपका कि व्हाट इज द कोड फॉर चेंज, तो चेंज का कोड होगा आइदर वैप और गैप, फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से, सो साइन दिया हुआ है प्लस एंड डिवाइडेड आर नंबर 2 and 5, इंटरचेंज करना है 2, 5 को प्लस डिवाइडेड को, व्हाट विल बी आंसर, 8, थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस टी आर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका, सो आर इज सीटिंग इन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड देन हु डू सीटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो एस यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑड नंबर पेयर 3 1 जैसे हैं लेकिन जो सेकंड है वो यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चंस है, ये फिगर्स आपको कौन सी फिगर में मिलेगी, तो ये फिगर जो है वो आपको इस वाली फिगर में मिलेगी फ्रेंड्स, थर्ड विल बी राइट आंसर। फिर आपका इफ सेकंड इज कॉल्ड मिनट, मिनट इज कॉल्ड आवर, आवर इज कॉल्ड डे, तो डे को क्या कहेंगे, तो डे इज कॉल्ड वीक, वीक इज कॉल्ड मंथ एंड मंथ इज कॉल्ड ईयर, दैट व्हाट विल बी वी कॉल आवर, सो आवर, आवर को यहाँ पे क्या कहा गया है, तो साफ साफ आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आवर इज कॉल्ड डे, सो थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 28 4 57 574, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 82। नेक्स्ट है फिर से आपका मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में जो है वो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे और ऐसे, ये वाली फिगर है, सो ये वाली फिगर कहाँ पे आपकी, सो ये वाली फिगर आपकी, सॉरी वाटर क्या कुछ है, मिरर इमेज ऑन द मेन फिगर, सो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा यहाँ पे ओके, दिस विल बी राइट, ओके 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 ओके। सो इसने जो है वो क्वेश्चन फिगर ने जो है वो यहाँ पे इस साइड जो ये ऊपर की तरफ कर दिया। नेक्स्ट, सो थर्ड विल बी, फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है
यहाँ पे क्या पूछा गया है, थ्री ऑफ थ्री ऑफ द फोर फिगर आर इन सीक्वेंस ऑफ सिमिलरिटी इन सेम वे, यू हैव टू चूज द फिगर विच इज ऑड। सो ऑड फिगर कौन सी आपकी, तो फर्स्ट जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये ऑड फिगर है। यहाँ पे फिर से ओड वन पूछा है, सो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे सभी में जो है वो 4, 5, 8 से डिजिट बनी हुई है, लेकिन इसमें 4, 8, 2 से है, तो सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट है इफ़ पी इज़ मदर ऑफ एस टी, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, सो आपकी एरो जो है वो ऐसे हो जाएगी फ्रेंड। सो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैट्रिसेस से क्वेश्चंस है, इसमें फोर्थ जो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आपका डॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो काउंट करनी है कि कितनी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे 8 स्ट्रेट लाइन आपकी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज करना पेयर को जो डिफरेंटली रिलेटेड, बोतल का इंक से टैंग, कॉफी ग्राउंड, मैच, थिएटर, मूवी, एक्सेप्ट वन, तो यहाँ पे हो जाएगा टैंक का कॉफी से रिलेशन। नेक्स्ट है आपका फिर से यहाँ पे मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर में जो आपका 12 आंसर होगा। नेक्स्ट है नो पेन इज पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर, सम इरेजर आर हार्ड, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, तो बोथ वन एंड सेकंड विल बी राइट। कोई भी जो पेन है, नो पेन इज पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर, सम इरेजर आर हार्ड, तो ऑल हार्ड आर इरेजर इज़ ए पॉसिबिलिटी, ऑल हार्ड आर इरेजर इज़ ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड ये। सम इरेजर आर नॉट पेन, सम इरेजर है जो ये इरेजर का कुछ वाला भाग है वो पेन नहीं है, सो इसका भी जो राइट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है अबाउट सब्सटेंस फॉर्मिंग इज इनकरेक्ट, प्रमोटर एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी इज यूज इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मिंग, फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट डैश वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट हु इज वेल नोन फॉर हिज प्ले राम चरितम, द लेटर लाइफ ऑफ रामा, तो यह भावविभूति, थर्ड विल बी राइट आंसर। फिर कुछ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो यह है अहमदाबाद। द यूनियन बजट 2019 लॉन्च जल जीवन मिशन टू इंश्योर हर घर जल ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय, तो ये 2024 तक मिशन। नेक्स्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हंगर इज ए फीलिंग एसोसिएटिव विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये फोर ब्रेन। नेक्स्ट है ये कुछ कुछ जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम इज सेक्रेटेड बाय, तो मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। द ऑफसाइड ट्रैप टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन द फुटबॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमैन इज नॉट करेक्टली रिलेटेड विद इज हर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स, तो मारिया शारापोवा जिमनास्टिक से, ये गलत आपका, ये टेनिस से है मारिया शारापोवा।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज थॉट टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हिरियाना गरबा रिचुअल? तो इट वाज थॉट टू लीड टू द रिबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइस एज ए कस्टेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म एट द साल फिल्म फेस्टिवल 2019? तो यह नगर कीर्तन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोइट हु हैड कंपोज द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा द बुद्ध चरित्रा? तो यह अस्तघोष। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट सिम्टम ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग थ्रू ड्रिंकिंग वाटर? तो यह डायरिया। सेकेंड विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द माउंटेन पीक दैट आर सिचुएटेड इन इंडिया? तो यह कमेट, नंग प्रभात और नंदा देवी। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019, विच ऑफ द लार्जेस्ट इकोनोमीटर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन करंट डॉलर USA? तो सेवेंथ। नेक्स्ट, द फर्स्ट इमेज ऑफ ए ब्लैक होल वॉज टेकन इन द इन डैश विद द हेल्प ऑफ डैश ऑब्जर्वेटरीज? तो ये 2019 8 ऑब्जर्वेटरीज। विच गवर्नर जनरल इन 1856 डिसाइडेड द बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल एम्पायर एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग? तो यह लॉर्ड कैनिंग। विच व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप? तो 7516। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड द राइट टू एजुकेशन प्रोविजन इन द 8th कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 28वीं संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनियन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय द अप्लाइड फोर्स अबव स्टेट लॉ इज? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इन सिचुएटेड इन दिल्ली एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1656? तो जामा मस्जिद। अरिथमेटिक एबिलिटी से क्वेश्चन आ गए हैं फ्रेंड्स आपके, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन ग्राफ से आ गया है। द प्रोडक्ट ऑफ स्टेट डी इन 1992 और 93 इन हाउ मेनी टाइम्स द प्रोडक्शन इन 1994-95? तो यहाँ पे 1.33 आंसर होगा। फिर से आपका यहाँ पे टेबल से क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड बाई इंग्लैंड एंड इंडिया इस मैच 145 जो आपका आंसर है यहाँ पे। द मार्केट प्राइस ऑफ है यहाँ पे क्वेश्चन आपका प्राइस प्रॉफिट लॉस से जिसका आंसर आपका फोर्थ। नेक्स्ट है, एक कैन कंप्लीट टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? तो आंसर है 6। डिविजल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? सो यहाँ पे जो है आपका बोथ 4 और 8 से, जो डिजिट 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी होगा। नेक्स्ट है, नितेश प्लेंड टू स्पेंड 40%, फिर से आपका यहाँ पे परसेंटेज क्वेश्चन है, सो इसका आंसर होगा आपका 9 लाख। 50.001% ऑफ 99.99 डिवाइड बाई 49.99, सो आंसर होगा इसका 1। ए सम ऑफ रुपीज यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर है क्वेश्चन जिसका आंसर होगा 15%। टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ ए ब्रिज 1200 meters लॉन्ग इफ दे वॉक टूवर्ड्स इच, सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 120 मिनट्स। द एवरेज से क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 144। द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 रूट 3 meters, फाइंड इट्स एरिया, सो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। देर आर 3 ड्रिंकिंग सॉल्यूशन ABC अवेलेबल इन द मार्केट इन ए द रेशियो ऑफ विटामिन एंड, सो इसका आंसर होगा जो आपका वो होगा 3:2। नेक्स्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 7200। फिर से आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2400। इस सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है फर्स्ट। फिर से आपका ग्राफ से क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7:10। फिर से आपका यहाँ पे पाई चार्ट से क्वेश्चन है, इसका आंसर है 150। और इसका आंसर है फ्रेंड्स 2। वॉट मिनिमम नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1024 टू गेट द लार्जर 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 19? सो इसका आंसर हो जाएगा 4। ए एंड बी टुगेदर वर्क इन 40 days, तो इसका आंसर हो जाएगा 1100 days। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ग्रामेटिकली एरर पूछा है,
your spouse is unaware that you are not being truthful to it or truthful to it. इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट अपोजिट पूछा गया है यहाँ पे बार बार का, सो आंसर हो जाएगा सिविलाइज्ड. The directors wanted not only to win but even also to receive recognition for their work. So इसमें incorrect क्या है, error पूछा है, but also even to receive ये वाला. I dash a friend named Ankur who dash a horse ranch in द सिटी. सो यहाँ पे आपका जो है वो हैव आएगा फर्स्ट में. आई हैव ए फ्रेंड जिसका नाम अंकू है, वो और खुद का एक जो है वो घोड़ा है जो कि ट्रांस सिटी में है. नेक्स्ट है शफीक इज डैश एज ही डैश नॉट बीन एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट. शफीक इज वरिड एज ही हैज, सो हैज आएगा इसमें. नेक्स्ट है ए शॉर्ट और टेम्परेरी स्टे एट ए पैलेस. सो यहाँ पे वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिव. ए शॉर्ट और टेम्परेरी स्टे एट ए पैलेस, तो यहाँ पे है सोजर्न. सोजर्न थर्ड विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट है इनकरेक्टली कौन सा है, अपॉर्चुनिटी ठीक है, ऑब्स्टेकल ठीक है, ओबीडियंट ठीक है, यहाँ पे ओकेजन जो है वो गलत है. नेक्स्ट है ए स्कल्पचर और मॉडल ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पे है इफिजी सेकंड. करेक्ट स्पेलिंग पूछा है तो यहाँ पे परसिस्टेंट का फोर्थ जो है वो राइट आंसर है. नेक्स्ट में पूछा है एंटोनियम प्रॉस्पेरिटी का एंटोनियम होगा पुअरनेस. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, सो अपोजिट पूछा है हाउ डू यू कोप, फाइंड द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग. हाउ डू यू कोप इन विद डिफीट एंड प्रॉब्लम, तो हाउ डू यू कोप विद, हाउ डू यू कोप इन विद नहीं आएगा, कोप विद. नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, टू लूज मार्बल्स, तो आंसर होगा टू बिकेम ऑफ अनसोल्ड माइंड. नेक्स्ट है सेंसर, सिनोनियम पूछा है सेंसर का, सेंसर का सिनोनियम हो जाएगा क्रिटिसाइज. नेक्स्ट है मीनिंग फुल ऑर्डर में करना है, पी के ओ आर एस टी वर्ड में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा ईच ऑफ द मैनी और जो आपका ख़त्म होगा परफेक्टली पे, फोर्थ विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट आपका एडियम पूछा बिहाइंड क्लोज डोर, तो डोर इन सीक्रेट, डन सीक्रेट. यहाँ पे जो आपका सुनामी पे पैसेज है फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकेंड का आप पढ़ लीजिए, थर्ड ईयर आपका. नेक्स्ट है इसमें क्लोवर का मेन पूछा है तो यहाँ पे बेटर. नेक्स्ट है यहाँ पे कोड करके पूछा गया है सीक्वेंस, सो फोर्थ विल बी योर राइट. नेक्स्ट है हिंदी का अकल्चर ने जाना तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाना, इसका अर्थ ये है जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा नहीं की जा सकती बिल्कुल. मुहावरे का कौन सा रूप शुद्ध है, काने की छड़ी होना, बहरी की लकड़ी, अंधों की छड़ी, अंधे की लकड़ी होना, ये ठीक है. डैश का प्रयोग प्राय स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है, तो यह है कोष्टक चिन्ह का प्रयोग जो किया जाता है स्पष्टीकरण के लिए. आरंभ शब्द का पर्यायवाची तो यह है अर्थ. कमल के समान नए नए में कौन सा समास है, कर्मधारय समास. कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सूचीपत्र, मेरी परिषद, मेरी, मेरा सिहार, मेरा सहारा, मेरा सूचीपत्र, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में आओगा मेरी परिषद. इसमें मेरा मेरी करने से आपको सेंटेंस की सही सेंस मिल रही है, वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो यहाँ पे परिषद आओगा. नेक्स्ट है बादल गिरे और मयूर नाचने लगे, या कौन सा वाक्य है, और अथवा जिसमें आए वो संयुक्त वाक्य है. मेघ का पर्यायवाची तो यहाँ पे नीरद हो जाएगा. प्रत्यंग शब्द में कौन सी संधि है, तो ये है यंग संधि. क्रिया शब्द कौन सा है, तो ये भागना, जिसके पीछे ना है ना आए वो है क्रिया शब्द.
कौन सा एक युग्म समानार्थी है? सूर्य का भानु, बिल्कुल। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहन, साधु तथा हस्ताक्षर। सो हस्ताक्षर ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट है, एक लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज। अर्वाचीन आर्थिक प्राचीन। फिर से आपका ये यहाँ पे गद्यांश पूछा गया, इंग्लैंड में कब चाय पी जाती है? तो इस समय पर इसका हो जाएगा, वह नमक व मक्खन डालकर चाय पीते हैं। लास्ट, भारत में शरण लेने से पूर्व तिब्बत के सभी अमीर गरीब लोग क्या करते हैं? तो चाय का प्याला लेकर घूमते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? चाय की कहानी। चाय और डैश का कोई समय नहीं होता, झूठ। चाय और झूठ का कोई समय नहीं होता। ये यहाँ पे आपके पोस्ट स्पेसिफिक यानी कि आपके जेई के जो मेन क्वेश्चन है आप इनको देख लीजिए। मैंने स्लाइड जो है वो की हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ही हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड। No.